10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल पाए और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। बैजा 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 ओ बैजा ओ बैजा बैजा और सर बैजा। गुरमीत सिंह मीत हैर जी। गुरमीत सिंह जी धन्यवाद। सभापति जी आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और सभापति जी मैं शुरुआत क्योंकि पूरे बजट में मेरे प्रदेश पंजाब का जिक्र तक नहीं किया गया, मैं विरोध दर्ज करवाते हुए बात अपनी शुरू करना चाहूँगा। सभापति जी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो दीवारों पे एक नारा लिखा रहता था, हम दो हमारे दो। और पूरे देश के लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल दो साहब की सरकार चल रही थी, अब उन दो साहब के कंधों पर और दो लोग बैठ गए हैं और वो पुराना नारा पूरी तरह फिट हो गया कि हम दो हमारे दो। सभापति जी चलो ये तो पुराना नारा है, एक नया नारा इस सरकार का, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुझे लगता है कि वो नारा भी दो का विकास बाकी सबका सत्यानाश इस बजट में सारा कुछ दर्शाया जा रहा है। सभापति जी जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो स्वाभाविक है सारे लोग अपना देख रहे थे और पूरे देश का भी देख रहे थे कि क्या बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है। और जब बीजेपी की सुई 230 और 40 के बीच अटकी हुई थी तो हम सोच रहे थे कि 5-10 और कम हो जाएं और कम हो जाएं, लेकिन अब मैं कहता हूं भगवान का शुक्र है कि आपकी 240 आ गई। अगर 5-10 और कम हो जाती पता नहीं बाबूजी नायडू जी के साथ कोई और बाबूजी आ जाते और इस वजह से और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मनरेगा का और किसानों का बजट और कम हो जाता। मैं समझता हूं कि पिछले 70 वर्ष से इतना मजबूरी बस बजट किसी सरकार ने नहीं पेश किया होगा जितना इस बार एनडीए सरकार ने बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि ऐसे नहीं कि हमारे जितने विपक्ष के साथी हैं वो बहुत खुश होंगे इस बजट से, क्योंकि हरियाणा वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, उनके वहां तो इलेक्शन भी है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप सरकार की मजबूरी समझिए, यूं ही कोई इतना बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी और मजबूरी सिर्फ यही है कि वो सत्ता वाली कुर्सी बचानी है और उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। और उसके लिए आपने अपने बजट में जो 4 बातों का जिक्र किया है कि युवा का, किसान का, महिलाओं का, गरीबों का ख्याल इस बजट में रखा गया है, तो सभापति जी किसानों से वादा किया गया था के 2 गुना उनकी आमदनी करेंगे, एमएसपी का वादा किया गया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें 27% फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम करके उन किसानों पर नया वोट पाने का काम किया गया और उनकी आमदनी और कम कर दी गई। क्या शेम। आपने कहा कि गरीबों की सरकार है और गरीबों को सबसे बड़ा बेनिफिट पूरे देश भर में अगर मिल रहा था तो मनरेगा से मिल रहा था और उसका भी बजट कम कर दिया। और उसमें जो महिलाओं की बात इसमें की गई है, सबसे ज्यादा महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से, अगर कहीं से उनको इनकम है तो मनरेगा से है। सो बड़ी शर्म की बात है, आपने ना गरीबों को छोड़ा ना महिलाओं को छोड़ा। और उसके बाद युवा की बात की गई, सर आपके ही इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया कि भारत क्योंकि युवा देश है, यंगेस्ट स्थान है, तो यहाँ AI पर हमारे रिसर्च नहीं हो रहा। जितने रिसर्च पेपर्स हैं अगर हम अमेरिका से कंपैरिजन करें, चाइना से कंपैरिजन करें तो हम बहुत पीछे हैं, तो उस पर फंड देने की जरूरत थी। पर सर बड़े दुख की बात है कि आपने IITs का बजट कम कर दिया, IIMs का बजट कम कर दिया। क्या इस तरीके से हम देश को आगे लेके जाएंगे? हम बात कर रहे हैं, मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। सर सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा, अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे और अब 126वें नंबर पर चले गए। ग्लोबल हंगर में हम 111वें नंबर पर हैं 125 देशों में
और जिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनको हम मुल्क भी नहीं समझते हो, वो भी हमारे देश से आगे निकल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात सभापति जी आपको होगी, एक रिपोर्ट के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों का सर्वे किया गया और बड़े दुख की बात है कि हम 180वें नंबर पर हैं, एक देश भी हमसे पीछे नहीं। और हम कह रहे हैं कि जी हम विश्व गुरु बनेंगे। सर सिर्फ बातों से विश्व गुरु नहीं बनेंगे, पूरे देश के हालात ये हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 4.25 करोड़ लोग हैं जिनकी सैलरी, जिनकी कमाई महीने की 25,000 से ज़्यादा है। आप सोचिए, जिनकी 25,000 से महीने की सैलरी कम है, क्या वो किस तरह का कोई सम्मानजनक जीवन वो व्यतीत कर रहे होंगे। यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व से कितने बार पता नहीं कहा कि जी 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि पिछले 10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल पाए और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। बजा बजा बजा, ओ बजा, ओ बजा बजा। और सर बजा, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। और सर अगर मैं लास्ट में अपने क्षेत्र पंजाब की बात करूं, क्योंकि सर वैसे तो किसी प्रदेश का ध्यान नहीं रखा गया, अगर मैं पंजाब की बात करूं, सर फ्लड्स के लिए बजट आपने लॉट किया, आपने कहा जी शाम में फ्लड्स आए, बिहार में फ्लड्स आए, उत्तराखंड में फ्लड्स आए, हिमाचल में फ्लड्स आए। क्या सर पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? जो बारिश उत्तराखंड में हुई, हिमाचल में हुई, क्या वो पहाड़ों में रुक जाएगी? वो सारी बारिश का पानी पंजाब में आया और 1680 करोड़ का नुकसान पंजाब का हुआ। सर मैं उस समय इरिगेशन मिनिस्टर था, मैं तरन तरन गया, मैं कपूरथला गया, मोहाली गया, रोपड़ गया, और हमारे वहां सर क्षेत्र में ऐसा माहौल बन गया कि तीन फुट मिट्टी चढ़ गई। और वहां मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 20 साल भी वहां खेती नहीं हो सकती। और सर दो मिनट, और सर मैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, इतनी नफरत पंजाब से क्यों है? जिस पंजाब का बलिदान इतना बड़ा रहा कि देश को आजाद करवाने में भी हमारी 80% कुर्बानियां, और उसके बाद भी सर पंजाब के किसी गांव में जाइए, आपको कोई भी गांव में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस गांव में हमारे शहीद की मूर्ति ना हो, जिसने सरहद पर राखी करते अपनी जान कुर्बान दी। आज भी कोई दिन नहीं होगा कि तिरंगे में लिपटी लाश हमारे नौजवानों की हमारे गाँव में, हमारे पंजाब में नाती हो, और उसका आप जिक्र तक नहीं करते। जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि जी देश आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर करने में भी सबसे बड़ा योगदान हमारे किसानों का है। और वो कोई ऐसे नहीं हुआ, हमें मूल्य उतारना पड़ा, हमें अपना पानी बर्बाद कर लिया, हमें अपनी धरती बर्बाद कर ली। और पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है सर राजस्थान, वो इसलिए जाती है क्योंकि देश का पेट भरने का काम पंजाब कर रहा है, और आप उसके लिए हमें दे क्या रहे हैं? हमारी झांकियां तक अपने 15 का 26 जन प्रीमियम से निकाल दी। सो सर मेरी मांग है कि पंजाब को स्पेशल पैकेज दिया जाए, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। और ये बजट मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ उसी बचाने का बजट है।